आइए चलते हैं मेहमानों के पास, जो 12 सवाल हमने उठाए उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से बात करके। विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, और नीरजा चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हैं जो ज़मीन से खबरें निकाल कर लाए हैं, जिन्होंने 3 महीने भरपूर मेहनत की है। हिमांशु शेखर हमारे साथ हैं, इस वक्त वाराणसी में हैं। रणवीर सिंह मेरे साथ हैं, इस वक्त गोरखपुर में हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बेंगलुरु से मेरे साथी निहाल किदवई हमारे साथ होंगे, जो दक्षिण भारत की राजनीति पर टिप्पणी करेंगे। बारी बारी से आता हूं, सबसे पहले शुरुआत करता हूं पहले सवाल के साथ, और वो सवाल है मेरा विनोद जी आपके लिए। पहला सवाल जो था हमारा, यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ 240 सीटें होती हैं। आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में, जहां पर बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था, इस बार क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल की, पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। भले ही ऑफिशियल दावे कोई भी करता रहे, विपक्ष का दावा अलग है, सत्तारूढ़ दल का दावा अलग है, लेकिन एक चीज सेफली कही जा सकती है कि आज का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही है। और उसका मुख्य कारण यह है कि इस चुनाव में, जैसे कि 2014 का चुनाव था अगर आपको याद हो सुमित, तो उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई थी जी। और कई इलाकों में हम जाते थे, खासकर उत्तर प्रदेश में, और वहां ऐसा लगता था कि सिंगल हॉर्स रेस है, मतलब एक ही घोड़ा दौड़ रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो जीतेगा भी वही। 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा के मुद्दे पर लड़ा गया, और वो उस चुनाव ने कांग्रेस विपक्ष को उसके हाथ पल्ले कुछ रहने नहीं दिया, क्योंकि जो मुद्दा बीजेपी के हाथ में आया वो बहुत ही भाववेश करने वाला मुद्दा था, राष्ट्रवाद वाला मुद्दा था, और एक ऐसा मुद्दा था एक ऐसे देश को लेकर जिसने हमेशा भारत के प्रति दुश्मनी निभाई है। तो ये जो पहला चुनाव है, इट्स अ नॉर्मल इलेक्शन रिलेटिवली स्पीकिंग, और जो बीजेपी के, और बीजेपी के हिसाब में, जहां तक मैं बीजेपी की राजनीति को रीड किया हूं जब तक मोदी जी आए हैं, जब से, कि बीजेपी के लिए नॉर्मल इज एबनॉर्मल, ओके, एबनॉर्मल इज नॉर्मल फॉर बीजेपी इन इलेक्शंस, बट नॉर्मल इज एबनॉर्मल फॉर बीजेपी, और इसीलिए ये जो चुनाव है ये कठिन चुनाव है बीजेपी के लिए। हो सकता है कि चारकों में गलत साबित हूं, लेकिन मेरा जो पहला आकलन है वो ये है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, नीरजा जी को लेके आऊंगा चर्चा में। नीरजा जी, आप खूब घूमी हैं चुनावों में, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने रैलियां कवर की, जमीन पे गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो बात, ये जो टिप्पणी की, ये जो फ्रेज विनोद जी ने इस्तेमाल किया कि बीजेपी के लिए नॉर्मल इज एबनॉर्मल, तो क्या ये चुनाव 2024 का बीजेपी के लिए एक नॉर्मल चुनाव साबित हो रहा है और इसीलिए कठिन है? आप क्या कहना चाहेंगे नीरजा जी? देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो कहते थे ना, ये चुनाव भाजपा के लिए डन डील है, ये तो जीतने वाले हैं, बहुत बोरिंग चुनाव है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, उसमें नैरेटिव भी बदला और कई चीजें, अपोजिशन ने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की, हालांकि कितना जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग चीज है, लेकिन क्या बीजेपी 300 सीटों तक जाएगी या 303 पार करेगी, ये सवाल वहां बने हुए, शायद कल हमें एग्जिट पोल बताएंगे। लेकिन 5 स्टेट जिनका आपने जिक्र किया, उसमें मैं मानती हूं महाराष्ट्र और बिहार, हालांकि स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं भाजपा के लिए, वो भाजपा के लिए उतनी अहमियत नहीं रख रहे हैं जितना कि उनकी एलाइज के लिए। पिछली बार महाराष्ट्र में भाजपा ने 23 सीटें जीती थी, अब भी मान रहे हैं लोग, मैं अभी आज ही बॉम्बे से आई हूं, कि इक्का दुक्का शायद लूज करे, लेकिन ओवरऑल भाजपा अपनी जो बेस है उसको इंटैक्ट रखेगी। उसके जो एलाइज है, अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनको बहुत धक्का लग सकता है। तो भाजपा भी ओवरऑल टैली में महाराष्ट्र में अगर इक्का दुक्का ही वो लूज करती है, बिहार भी वही है, भाजपा की 17 सीटें हैं, पिछली बार भी यही था मामला, तो भाजपा इक्का दुक्का लूज करेगी एलाइज, खासकर जनता दल यू में
इतना अच्छा जो आप भी कह रहे थे परफॉर्मेंस नहीं किया है ऐसा माना जा रहा है। जो जो स्टेट भाजपा के लिए बहुत अहमियत रखते हैं वो कर्नाटक है, जहां हो सकता है 10-12 का लॉस हो भाजपा को, और वेस्ट बंगाल में गेन होगा या वहीं रहेंगे उस पे दो राय है, पर मैं मानती हूँ कुछ गेन होने के चांसेस हैं, वहां 4-5 का गेन हो सकता है। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई लोग मानते हैं ऑब्जर्वर्स उत्तर प्रदेश में भाजपा 10 सीटें तक लूज कर सकती है। 2019 की टैली 62 सीटें थी या 52 तक वो जाएगी, और भाजपा के लोग मान रहे हैं नहीं हम वहां छलांग मारेंगे, जहां हमारा लॉस होगा और जगह पे नॉर्थ इंडिया में वहां हम भरपाई करेंगे। तो जी, यूपी आज भी मैं मानती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में है इस चुनाव इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं नीरजा जी। सॉरी मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ, रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। दो दो रिपोर्टर यूपी से मेरे साथ हैं, हिमांशु भी हैं और रणवीर भी हैं। पहले रणवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सुने एक्सपर्ट की क्या राय है, आप क्या जमीन पर, क्योंकि जो जितना मैं टुकड़ों में घूमा उत्तर प्रदेश में, जमीन पे जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो हमारा 12वां सवाल था। क्या एक पर्टिकुलर पार्टी का, एक पर्टिकुलर काडर का वोटर नहीं पहुँच रहा है? किसको नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है इन चुनावों में? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। अलग अलग उत्तर प्रदेश इतने बड़े हिस्से में है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 1 महीना सवा महीना पहले हुआ वो बिल्कुल पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश आते आते परिस्थितियां बदली हैं, और किसका वोटर नहीं निकल रहा है ये बूथ लेवल की बात है। लेकिन आपने जो कहा ना कि सीटों के लेकर, बीजेपी के नेता ऑन रिकॉर्ड 80 में से 80 जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है सामने बैठकर तो वो दावा करते हैं कि हम कम से कम 70 जीतेंगे। और वहीं ऑपोजिशन की जब बात होती है और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में ऑपोजिशन ये दावा करता है कि हम 20 से 25 सीटें जीतेंगे। यानी अगर इन दोनों बातचीत को हम आधार मान लें तो 60 सीटें बीजेपी की तय मान, 50 सीटें बीजेपी की तय मानी जाती हैं, 15 सीटें ऑपोजिशन की तय मानी जाती हैं, और 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत टफ फाइट है। ये दोनों पार्टी के नेता मानते हैं कि बहुत क्लोज फाइट है। और फैक्टर्स की अगर, जैसे आपने शुरुआत में बात की, तो यूपी वो राज्य है जहाँ राम मंदिर भी काम करता है, महिला वोटर्स का मुद्दा भी काम करता है, जाति भी काम करती है, हिंदू मुस्लिम का फैक्टर भी काम करता है, विकास भी है, नौकरी रोजगार का मुद्दा भी है। और इन सबसे ऊपर जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी का MY फैक्टर यानी मोदी और योगी फैक्टर वो भी यूपी में काम करता है।